आपका सवाल है, मक्खी के कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 20, डी 1 भी नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 भी नहीं। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए रावलपिंडी, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी कराची। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लामाबाद। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पापड़ की सब्जी, बी दही चूरा, सी दाल बाटी चूरमा, डी बजरे की राब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दाल बाटी चूरमा। आपका अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 3 जनवरी 1531, बी 5 नवंबर 1556, सी 9 फरवरी 1565, डी 10 जून 1573। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556। आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 20 राज्य, बी 26 राज्य, सी 28 राज्य, डी 32 राज्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28 राज्य। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी सिंधु नदी, सी झेलम नदी, डी चेनाब नदी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। आपका अगला सवाल है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। आपका अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जॉन वॉकर, बी जेम्स वाट, सी वाल्टर हंट, डी चार्ल्स बेबेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन वॉकर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई,
सी सूरत, डी इंदौर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए N2, बी H2, सी O2, डी CO2। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी O2। आपका अगला सवाल है, गधों का मेला किस राज्य में लगता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी केरला, डी मिजोरम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 110, बी 152, सी 172, डी 206। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 206। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी B.C. चटर्जी, सी रवींद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए शिमला, बी बीजिंग, सी नैरोबी, डी टोक्यो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टोक्यो।